ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये हो चुका है अब मैं। अच्छा, बहुत अच्छा है सच में। हाँ जी हाँ जी, इसे भी चाहिए, इसे भी दे दो। नहीं, 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 नहीं। Richu, Papa, भाई सब अपने कामों में बिजी है ना। ये देखो भाई, ये अपने कार्टून देखने में बिजी है, मैडम अपनी सब्जी धोने में बिजी है। मैंने ना अमेज़न से ये स्टिकर्स मंगवाए हैं, ये शेल्फ के स्टिकर्स हैं, ये मैंने मंगाए हैं। ये जो हमारी शेल्फ्स है ना, जिसमें हमने लकड़ी के फट्टे से बना रखी है, इस पे लगाने के लिए मंगाए हैं। चलो फिर लगा के देखते हैं ये लगते हैं या नहीं लगते हैं। ये ना सेल्फ एडहेसिव हैं, ये अपने आप ही चिपक जाते हैं, तो अपने आप ये डायरेक्ट हम ऐसे चिपका सकते हैं ना, इसके लिए अलग से पेस्टिंग नहीं लगती। तो खोल के देखते हैं ये कैसा है। ये मार्बल के डिजाइन का है। शेल्फ खाली कर लेते हैं ना और साफ कर लेते हैं। शेल्फ जो भी मैंने खुद लगाई थी, मतलब ना खुद जो मैं बोर्ड लगे आया, खुद कटिंग करी ना, और खुद देखो ये ना, ये लगा के लोहे के लगा के खुद लगा रखे हैं। तो आपका काम मैं इजी करता हूँ मैडम, हटो जरा। ये ऐसे निकल जाता है, ये शेल्फ साफ कर रहे ना, तब तक तो इसको खराब करने लगा हुआ है ना पीपी, खराब कर देगा तो इसको देखते हैं कैसे चिपकता है। ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे तो। ये इसमें ना बबल्स आ जाते हैं ना, ज्यादातर तो इसमें बबल ही आ जाते हैं भाई, बड़ा मुश्किल है। पता नहीं कहाँ वीडियो में देख के मंगवा लिया ये, पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा। ये लो पकड़ लिया अपने वहां से। ये देखो इसकी लेयर निकल गई ऐसे, हाँ पूरा नहीं निकालना, बबल आ जाएगी। इसको ऊपर खोल कर लो थोड़ा सा, ऐसे ऊपर थोड़ा सा, ये चिपक गया है अच्छे से ना। ये वो कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल मार्बल ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर ही है ये। ऐसे ये बन गया आपकी बड़ी सी सेल्फ। भाई आज बनाने वाली है मैडम हमारी चूल्हे पे शाही टुकड़ा, है ना भाई। पापा हाथ करो, हाथ करो, पिटाई पिटाई हो जाएगी, पिटाई ये तो हमारी पिटाई कर देगा ये। भाई हम चला देते हैं चूल्हे में आग, है ना, और बनाना आपका काम है छुट्टी। इसके इसके ना दंदू काले हो गए हैं, ये ढंग से ब्रश नहीं करता ना, करने देता है ये बस खाएगा, अपनी पेस्ट खानी है और बस, फिर खेलना शुरू ब्रश के साथ, है ना। कैसे सही होंगे तेरे दांत? आप लोगों को कोई तरीका या कोई ट्रिक पता हो छोटे बच्चों को ब्रश कराने का, तो प्लीज बताइएगा जरूर, इसके दांत जो है वो ब्रश कैसे करेंगे ढंग से। जो कैसे ब्रश करेंगे हम इस बेबी के, हमने ना चाशनी रखी है गैस पे, तो वो चल के देख लेते हैं वो हुई कि नहीं हुई अभी ना। थोड़ी इलायची भी डाली है फ्लेवर के लिए ना, चाशनी तैयार होगी मुझे लग रहा है। इसके ना कुछ नहीं करना, बस पानी में चाशनी और एक इलायची डाल देनी है फ्लेवर के लिए ना, बस उसके बाद ये गाढ़ी होने तक हमें गैस पे पकानी है। भाई त्रिशु तो गया आंटी के साथ घूमने ऊपर ना, तब तक भी फटाफट काम कर लेते हैं हम लगाते हैं फटाफट लकड़ी। ये लकड़ियां बहुत पुरानी रखी हुई है यहाँ पे ना, ये भाई अच्छे से सूख चुकी है, जल्दी आग पकड़ लेती है फटाफट ये। चलो भाई मैडम क्या कर रहे हो बैठ के, कुछ करो भाई जल्दी। काय में आग लगाऊं पत्थर में? ये लो ना लकड़ी, कागज कुछ लो, ये लो जल्दी से ना, काम वाम खत्म हो जाए ये सारा ना, क्या हम नीचे बनाएंगे बड़ा बढ़िया सा चूल्हा। ये ब्रेड हमने कट कर लिए, अब बनाएंगे हम ब्रेड को, ऐसे ना स्लाइसेस में काट लेना है, उसके बाद इसको घी में फ्राई करना है। आपने अब तक आग भी नहीं जलाई, मैंने चाशनी भी रेडी कर दी और ब्रेड भी काट दी। भाई गांव की सबसे बड़ी बात होती है ना कि यहाँ पे कुछ भी फेंकते नहीं है, अगर कोई सामान लेके आओ ना, पन्नी वन्नी हम सब कुछ स्टोर करते हैं ना दीपू, है ना। ये देखो अभी दोपहर को हमने ना ये दोपहर को हमने भाई स्लैब पे लगाया था ना वो पेपर, तो उसके जो पीछे का पेपर वो बच गया था, तो अभी आग जलाने काम आएगा। तो भाई गाँव में ये हैबिट्स दिखी है मैंने, लोग ऐसा करते हैं यहाँ पे, हर चीज़ काम में लाई जाती है। मतलब आग लगाते इसको फटाफट, घी हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम ब्रेड डाल के उसको पकाएंगे, फ्राई करेंगे
और इसको क्रिस्पी होने तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये हो चुका है। अब मैं उठा लेती हूँ इसको ना, नहीं तो जलने लग जाएगा। ये घी ऐसे डालना आपको कि अच्छे से ना ये डिप हो जाए इसमें, ब्रेड जो है और अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर इसको ये होने लग गया ना, ब्राउन होने लग गया ये। ये, ये, ये बस सारा घी पी लिया ब्रेड ने। ये क्रिस्पी हो चुका है, ब्राउन हो चुका है ना ये। अब हम इनको निकाल लेते हैं, नहीं तो जल जाएंगे ये ऐसे। yes. भाई इलायची विलायची के साथ ना तो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही इसकी। तो ये बन गया हमारा शाही टुकड़ा। आसान था ना, नहीं जल्दी बन जाता है, ये 2 मिनट में बन जाता है। खाओ भाई, किसने मना किया है, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हाँ। भाई मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब ना इतना अच्छा लगेगा, मतलब ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, मतलब खा के देखते हैं अभी। ऐसे थोड़ी खाते हैं इसको यार, इसको ना भाई यार देखो ये बहुत ही बढ़िया, पर देसी घी डाल के ना, मतलब मुझे ज्यादा चीनी वीनी जैसा टेस्ट आएगा, पर बहुत बढ़िया टेस्ट है यार, मुझे अगली बार घी कम डालेंगे। घी का तो सारा कमाल है यार, घी ने तो मजा दे रखा है यहाँ पे, बढ़िया। कैसे बनता है, किस तरह से बहुत अच्छा बना। चीनी डाली है इसमें, चीनी की चाशनी और देसी घी में ना, देसी घी इलायची की चाशनी। अच्छा बना, बढ़िया। इसमें अगर वो बना दो रबड़ी, रबड़ी रबड़ी डाल दो इसके ऊपर, थोड़ा है तो ये फैटी शुगरी सब है ये, पर हाँ एक आधा पीस खा लो, ठीक है ना लड्डू। इसको भी खिला दो भाई, देखे जा रहे हैं हम खाए जा रहे हैं। नहीं, 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 इसको नहीं देना। कैसा होगा, बच्चे घी नहीं खाते, नहीं ज्यादा है ये, इसमें शुगर बहुत ज्यादा है। शुगर थोड़ी थोड़ा सा खा, नहीं नहीं थोड़ा सा तोड़ के डाल। हाँ कैसा लगा त्रिशु, आपको कैसा लगा पापा, और बना देते हैं, चाशनी तो बची हुई है। अच्छा लगा पापा, वो खाएगा खाएगा नहीं, बस बस इसको टेस्टी लग रहा। उल्टी सीधी चीजें सही लगती है बच्चों को। हाँ। शाही टुकड़ा इतना जबरदस्त बना था ना भाई, मजा ही आ गया है ना भाई। आंटी ने भी तारीफ की है, और त्रिशु को भी अच्छा लगा। इसको थोड़ा सा खिलाया हमने ना, इसको ज्यादा खिलाते हैं ना, फिर दांत वैसे काले कर रखे हैं इसने। भाई सीरियसली भाई मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा ना, आप घर पे बना सकते हैं, और 5 मिनट का काम है यार। बस पानी में थोड़ा सा जो है अभी आपको चीनी डालनी है, इलायची डालनी है ना, उसको बॉईल कर लेना है। चाशनी के बाद आपको देसी घी में फ्राई करनी है ब्रेड, और बस उसको डिप करके बहुत बहुत ही टेस्टी सूट डिश अभी तैयार हो जाएगी भाई, जरूर। ठीक है दोस्तों भाई, कल फिर मिलेंगे आपसे। टिशु तब तक के लिए टिशु बाय। अब तो कर दे कर दे कर दे कर दे बॉय, अब बाय कर टिशु, बाय कर दो, कर दे भाई बाय। ये शाही टुकड़े के टेस्ट में खोया भी है ना, मीठा मीठा था।